पटियाला विच भगवंत मान ने SYL दे मुद्दे ते पंजाब सरकार नू केरिया। मान ने कहा कि पंजाब सरकार नू इस मुद्दे ते अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। मान ने दावा किया कि वह पार्लीमेंट दे विच SYL दा मुद्दा चकणगे। भगवंत मान ने सूबा सरकार ते लाए निशाने, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनन ते सूबे दे लोकां नू माड़े निजाम तो राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी नू मिलिया वड्डा हुंगारा। पटियाला विच पंजाब राज कर्मचारी दल दे इंचार्ज हरी सिंह टौड़ा ने फड़िया आप दा लड़। भगवंत मान की मौजूदगी विच पार्टी साथियों समेत हुए शामिल। धर्मशाला च होने वाले T20 मैच के विवाद से बोले CM, शहीदां दे परिवारां दीआं भावनावां नूं नहीं कीता जा सकदा नज़रअंदाज। कहा स्टेडियम दे कोल सुरक्षा मुस्तैद पर प्रदर्शन करन वालिआं ते नहीं कीता जाएगा बल प्रयोग। CM वीरभद्र सिंह बोले भारत पाकिस्तान मैच दे दौरान सुरक्षा मुहैया कराउण दे मुद्दे ते गृह मंत्री नाल अजे तक नहीं हुई कोई उन्हां तों नहीं मिली कोई सूचना। कहा पाकिस्तान दी टीम धर्मशाला स्टेडियम दा मुआयना करन आवेगी तां हर संभव सहयोग कीता जाएगा। मैच के विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी भी। शिमला विच सूबा कन्वीनर राजन सुशांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जताया भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। कहा शहीदों के परिवारों दी भावनावां का रखा जाए ध्यान। भारत पाकिस्तान मैच को HPCA स्टेडियम के कराने के पक्ष में स्थानक लोगों ने कढ़ी रैली। ADM के जरिए राज्यपाल और PM मोदी को भेजा मंग पत्र। 19 मार्च को होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिए सिक्योरिटी रिव्यू ऑर्डर। फैसले के मुताबिक सिक्योरिटी रिव्यू तो बाद ही तय होएगा कि पाकिस्तान की टीम धर्मशाला खेलने आएगी या नहीं। उधर राजनाथ सिंह ने कहा कि सूबा कहेगा तो स्टेडियम के सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाएगी। हरियाणा के झज्जर ब्लॉक दीआं पंचायतां ने की नवी पहल। खेतीबाड़ी मंत्री OP धनखड़ की अपील से जाट अंदोलन दौरान प्रभावित हुए लोगों को 66 लाख रुपए की सहायता राशि इकट्ठी करके दी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के सूबा प्रधान बजरंग दास गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों नाल बैठक की। व्यापारियों ने सरकार से लाया निशाना, कहा थोड़ा थोड़ा मुआवजा देकर व्यापारियों के नाल मजाक कर रही है सरकार। हरियाणा के सबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा का झज्जर च होया विरोध। हुड्डा झज्जर के छौनी मोहल्ला के जाट अंदोलन के दौरान हुई हिंसा के प्रभावित परिवारों नूं मिलन गए सन। जम्मू कश्मीर च सरकार बनाउण ते 2 महीनों बाद महबूबा ने तोड़ी चुप्पी। कहा केंद्र रखे उम्मीदां दा ख्याल, मैं CM बनन नूं तैयार हाँ। पाकिस्तान जाणगे दिल्ली दे CM अरविंद केजरीवाल। 2017 विच कराची लिटरेचर फैसटिवल दे लई सद्दा केजरीवाल ने कीता कबूल। बजट विच EPF ते लग्या टैक्स वापस लै सकदी है सरकार। सूत्रां दे हवाले तो खबर, PM मोदी ने दित्ती वित्त मंत्री अरुण जेटली नूं टैक्स वापस लैण दी सलाह। कई संगठन ते सियासी दल कर रहे सन विरोध। कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने नवे शो के प्रमोशन लिए पहुंचे अमृतसर। कपिल शर्मा ने पंजाब विच नशे नूं मन्निया वड्डी समस्या, क्या सरकार नूं ठोस कदम चक्कण दी लोड़ है। नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी भविख बारे पूछे जाण ते बोले कपिल शर्मा। कहा नवजोत सिद्धू खुद ने समझदार, जो फैसला लैणगे वह सही होएगा। भारत पाकिस्तान विचाले T20 मुकाबले बारे विवाद से बोले कपिल शर्मा, खेड ते कला नूं सियासत तो दूर रखण दी लोड़। बरनाला च भयानक सड़क हादसे ने लई 3 नौजवानों की जान। पिंड मूम के नेड़े लिंक रोड से मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों अणपछाते वाहन ने मारी टक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज किया, हादसे की वजह की जांच जारी। पिंड वालों मुताबक 1 नौजवान की मौके पर ही हुई मौत, बाकी 2 नौजवानों ने हस्पताल के विच तोड़िया दम। चंडीगढ़ विच SRL डायग्नोस्टिक्स ने सफलतावां दर्ज करन वालियां औरतां नूं कीता सन्मानित। सन्मान लैण वालियां औरतां ने महिला शक्तिकरण की दिशा विच दिता अपना शानदार योगदान। अंबाला विच सराफा एसोसीएशन ने शुरू की अणमिथे समय लिए हड़ताल। सराफा एसोसीएशन गहणियां ते एक्साइज ड्यूटी लाए जाण तों नाराज है, सरकार तों इस कानून नूं वापस लैण दी मंग कर रहे हैं।
फौज की वर्दी की विक्री नूं लैके की ने सरकारी हुक्म। दो वड्डे दहशतगर्दी हमलों तो बाद पंजाब च किन्ना हो रहा सरकारी हुक्मों का पालन, अज दिन भर वेखो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मिशन सिक्योरिटी अलर्ट। अमेरिका के जॉर्जिया विच भारतीय महिला की दलेरी, दुकान लुटन आए बदमाश के नाल निहत्थी पिट गई महिला, डर के भज्जा बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रीनगर विच एक पढ़े लिखे नौजवान ने खोलिया ट्रक विच रेस्टोरेंट, लोगों आ रहा काफ़ी पसंद, भविख विच होर रेस्टोरेंट भी खोलन की आस। अज लुधियाणा के गुरु नानक स्टेडियम के विच द ग्रेट खली रिटर्न शो, आमो सामने ने खली ते ब्रूडी स्टेज।